तो भाई दर्शन हम लोगों को बहुत अच्छे से हो चुके हैं। यहाँ पे आज शिवरात्रि थी, इस वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो मंदिर के अच्छे से आप लोगों को दर्शन करवा नहीं पाए। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली अगर आप लोग कहोगे तो हम इस पे एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपको इस पे वीडियो चाहिए इन फ्यूचर या नहीं। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको टेम्पल आज कैसा लगा। बाकी अभी चलते हैं घर। नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल, दिस इज योर पंकज जैन, वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल PSR व्लॉग्स। तो गाइज आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा मैंने कल बताया कि कल शिवरात्रि थी और कल का जो ब्लॉग था वो मैं एंड नहीं कर पाया, बिकॉज कल शिवरात्रि के बाद जब हम मंदिर से घर आए थे तो हमने थोड़ा बहुत प्रसाद ले लिया था और मजे में वो इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोगों को पता नहीं चला कब क्या हुआ। फिर हम लोग शॉप पे आए, उसके बाद हम लोगों ने दुकान बढ़ाई, उसके बाद हम लोग घर गए और सो गया। तो अभी शॉप पे आए तो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। कल सारे हिंदुस्तान में देखो शिवरात्रि कितने मज़े से मनाई गई है, सब लोगों ने एंजॉय किया और बहुत से इन्जॉयमेंट मैंने अपनी आंखों से भी देखे और मेरा जब इन्जॉयमेंट बना होगा तो बहुतों ने भी देखा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना किस किस का कैसा कैसा शिवरात्रि रहा और क्या क्या भसोड़ियाँ फैली। तो अभी का क्या सीन है, अभी हम लोग आए हैं शॉप पर, थोड़ा कुछ काम है वो करते हैं, उसके बाद चलेंगे। आज का ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बिकॉज कल आपको पता ही है क्या सीन था, तो आज थोड़ा सा लो है मामला। बाकी कोई नहीं, आगे आगे जैसे जैसे होगा वैसा आप लोगों को बताएंगे। तो गाइज आज हमारे साथ है पिज्जा टाउन के मालिक मनोज होटला जी। तो गाइज इनका जो है होटल, जो जिस दिन हमने बताया था आपको भूटानी मोमो, तो वो भाई का पिज्जा टाउन था। और इन फ्यूचर भाई हमें बता रहे हैं कि कल या परसों आप लोगों को कुछ नई डिश पूरे दिल्ली से लेकर उत्तराखंड में, ये डिश सिर्फ दिल्ली में मिलेगी आपको या फिर उत्तराखंड में मिलेगी। तो हम लोग कल कुछ ट्राई करने वाले हैं। तो कल का ब्लॉग में हम लोग कुछ एक डिफरेंट टाइप का मोमोज है जो भाई का खुद से निकाला है, तो हम लोग कल वो आपके साथ शेयर करेंगे वो रेसिपी जो भी होगा। बाकी जो कल का जो माँ शिवरात्रि का ब्लॉग था वो जस्ट फिनिश हुआ है अभी। तो गाइस छोटे मोटे चेंजेस हैं जो मुझे अपनी शॉप पे करवाने हैं। और फर्स्ट काम मुझे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे शटर, इस पर मुझे पूरा इसे पैक करवाना है, कांच लगवानी है इस पर। और बाकी जो ये वाला आप देख रहे हो ऊपर मंदिर के ऊपर एक स्पेस सा खाली सा बचा हुआ है, वहाँ पे भी कुछ करना है, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया है। अब जैसा आएगा मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसा कब तक आएगा और कैसे उसके बाद लग रहा है। तो गाइज जैसा आप लोगों को पता है कि हम जो हमारी शॉप है हम लोग इस पर ऑफर निकालते रहते हैं हर दिन। तो गाइज अभी जो मैं शीट तैयार कर रहा हूँ तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। तो बॉयज़ का सीन ये है कि बॉयज़ की जो दो टी शर्ट पे एक फ्री है और गर्ल्स की एक जो भी जींस होगी उस पर एक टी शर्ट या टॉप उनको फ्री मिलेगा। तो यार बाकी अभी जाना है, इसको हर जगह लगाना है जहाँ जहाँ पे क्राउड होता है सुबह शाम, तो अभी जाएंगे और वहाँ पे ये काम करवाएंगे। तो गाइज जैसा मैंने आप लोगों को बताया था अपने पिछले ब्लॉग में कि हम लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हैं कबीरा मोमोज, तो आज हम जाएंगे पिज़्ज़ा टाउन पे और वहाँ पे हम दोपहर में हम जो भी कबीरा मोमो की रेसिपी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आपको बताऊँगा उसके बाद उसका टेस्ट कैसा है और आप लोगों को क्यों ट्राई करना चाहिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में और मैं आपको बताऊँगा। सो गाइज फाइनली हम लोग पिज़्ज़ा टाउन में एक बार फिर से पहुँच चुके हैं और आज देखते हैं जो कबीरा जी मोमोज हैं वो कैसे बनने वाले हैं। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पिज्जा टाउन में और ये है शेफ मनोज बुटोला जिनका पिज्जा टाउन है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हम बनाने वाले थे कबीरा जी मोमोज, तो शेफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आपको बताते हैं उसकी रेसिपी। तो गाइज अभी हो रहा है तेल गरम और जो अभी शेफ ने जो अंडे जो फेटे हुए थे उसमें जो मोमोज उन लोगों ने वो डाले हैं
और अभी जो प्रोसेस चल रही है सेफ लगे हैं। तो गाइस फाइनली हमारी जो कबीरा मोमो की डिश थी वो तैयार हो चुकी है। अब इसे खाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। सो गाइस जो कबीरा जी मोमो है बहुत टेस्टी है, एकदम क्रिस्पी से हैं, सारे जो फ्लेवर्स हैं आपको मतलब खाते आपको पता चल जाएगा कि कैसा फ्लेवर सारा दिख रहा है। तो अभी जो भी हमारे साथ भाई लोग हैं हमारे, आपको दिखा लेता हूँ भाई लोग, जो भाई लोग हैं एक बार इनको खिला के देख लेते हैं और इनसे रिव्यू लेते हैं कैसे कबीरा मोमोज बने। तो आइए भाई से पूछते हैं, भाई को मोमोज कैसे लगे? सो टेस्टी एंड यम्मी मोमोज है, आप लोग प्लीज इसको ट्राई करें। तो भाई ने बताया, जैसे भाई ने बताया कि मोमोज काफी यम्मी है और टेस्टी थे। तो लोकेशन आप लोगों को मालूम होगी पिज्जा टाउन की, पिछले ब्लॉग हम लोगों ने भूटानी मोमोज जब कवर किए थे तब भी आप लोगों को मालूम होगा। तो लोकेशन मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइस एंड करते हैं आज के ब्लॉग कहीं पर, और आप आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को पता है क्या करना है, जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराना है कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में मंडे को। कल संडे है, कल हम लोग ब्लॉग नहीं करेंगे, तो मिलते हैं आपको मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय।